तुझ से शुरू हुई, तुझ पे ही खत्म हो। दुनिया मेरी, दुनिया दुनिया मेरी, जो बात दिल में थी नैनों ने बोल दी। मैं हूँ तेरी, मैं हूँ तेरी। तुझको ही याद करके आहें भरूं मैं, मिलके भी मिल ना पाऊँ अब क्या करूँ मैं। मिलके भी मिल ना पाऊँ अब क्या करूँ मैं। तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दोने। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हे चैनल तो जी, हम आ गए हैं और रीडिंग लेके आए हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो हम देर नहीं करना चाहते, समय की बर्बादी नहीं करना चाहते और जल्द से जल्द हम रीडिंग करना चाहते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है, ठीक है। तो नॉर्मल सी रीडिंग रहेगी, जैसा कि हम आपको पता है कि हम करंट एनर्जीज वगैरह चेक करते हैं। झटकेदार फीलिंग्स नहीं, नॉर्मल आपको क्या जानने की आवश्यकता है वो कर रहे हैं, ठीक है। वैसे कहीं ना कहीं हमको ऐसे गाइडेंस मिल रही है कि झटकेदार फीलिंग्स की ही रीडिंग आएगी इसमें, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो देखते हैं, जो भी आता है हम आपको बताएंगे, ठीक है। बट हमारा, हम चाहते हैं कि करंट एनर्जीज चेक करें, शायद आपको कुछ जानने की आवश्यकता है। अगर नहीं भी है तो वो झटकेदार फीलिंग्स तो आ ही जाएंगी, ठीक है। तो हम उसी हिसाब से जो है रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। तो आपकी एनर्जीज ग्रैब कर लेते हैं, ठीक है। और हाँ, पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पे, ठीक है। तो चलिए, बिना किसी देरी की रीडिंग करते हैं। ठीक है, तो चलिए। देखते हैं, अभी हम रेडी नहीं हैं, वैसे बताना ज़रूरी है ना, थोड़ा शफल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब रेडी हैं हम, ओके। चलिए, देखा आपने, एक कार्ड आया है, ये रहा। तीन कार्ड आ गए, कुछ तो है। देखते हैं क्या है। बड़े जल्दी जल्दी तीन कार्ड आए हैं। ये दो कार्ड्स हैं, पता नहीं, हमें लग रहा है दो कार्ड एक साथ चिपक के। देखते हैं। अरे अरे अरे, कार्ड आ रहा है। अरे बाप रे, बहुत सारे कार्ड्स हैं, पहले हम देख ही लेते हैं, ठीक है। पहला कार्ड जो आया था नीचे सबसे, यही था सेवन ऑफ कप्स, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, क्या बात है, बहुत ज़्यादा इमोशंस। पेज ऑफ कप्स, किसी के कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल है भाई। द मून, बहुत इमोशनल, मतलब बहुत इमोशनल। ओह अच्छा, आज वो है ना, न्यू मून है, आपको पता है, आज अमावस्या है, न्यू मून है। किंग ऑफ सोर्ड्स, तो जी कोई कप लेके है और यहाँ किसी की एनर्जीज ऐसी है कि कोई तो तलवार लेके बैठा है। फूल, ओके। सन,
मून भी है और सन भी है, द वर्ल्ड, ठीक है, ओके कार्ड्स हम और लेंगे, ठीक है। बहुत 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 किसी के मन में बहुत ज़्यादा शोर है, कोई बैठे बैठे मतलब होता है ना कि चिल्लाना, ग्रज, मतलब अपने अंदर बहुत ज़्यादा ग्रम्पी बहुत ज़्यादा नेचर हो रखा है, अग्रेसिव, ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। देखते हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स देखा हमने, ठीक है, रे बाप रे, आ गया जो हमें चाहिए था वो आ गया, जजमेंट, ठीक है, आ गया, और ये बड़े दिनों के बाद आया है। किसी ने अपने पुराने जख्मों को बहुत हद तक हील कर लिया है, ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं कि थक गया है कोई, समवन इज टायर्ड, ओके, कोई बहुत थक गया है रिलेशनशिप से भागते भागते, ऐसी सिचुएशनशिप पे स्टक होके, ठीक है, जजमेंट है यहाँ पे। बॉटम देख लेते हैं क्या है, स्ट्रेंथ, तो हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, यहाँ पे एक पर्सन की एनर्जीज निकल कर आई है, ठीक है, तो ये पर्सन जो है, देखिए इस पर्सन को ना कहीं कर्मा मिला है, जो भी पर्सन है मिल चुका है या मिलने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है, और फिलहाल एक अलग ही मनगढ़ंत, ठीक है, हवाई के लिए ये पर्सन बना रहे हैं कि मतलब डाउट है इस पर्सन को, सेल्फ डाउट है कि क्या ज़िंदगी कभी बेहतर हो सकती है कि ऐसा ही चलता रहेगा, ठीक है, नेगेटिविटी बहुत है, और बहुत कुछ चल रहा है, मतलब इस पर्सन के मन में बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है, ये वाला कार्ड, ठीक है। देखिए ये पर्सन जो भी हैं, इनको आपकी एनर्जीज चाहिए, ये जो भी है आपसे बात नहीं करना चाहते लेकिन आपके आसपास रहना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट नहीं करना चाहते लेकिन आपकी एनर्जीज चाहते हैं, ये तो बहुत ही भयंकर एनर्जी है भाई, ये तो एनर्जी वैम्पायर है जो भी है, मतलब इस पर्सन को डेफिनेटली कोई शक नहीं है कि इस पर्सन के मन में ना एक सॉफ्ट कॉर्नर है आपके लिए, लेकिन ये बताएंगे नहीं, जो भी पर्सन है इनको बहुत हर्ट है, इनको किसी ने पास्ट में हर्ट किया है, या डेफिनेटली क्योंकि ये पर्सन जिसके अभी प्रेजेंट में अगर किसी के साथ है ये पर्सन, तो वहाँ से भी इनको जो है ये थ्री ऑफ सोर्ड्स ही मिले हैं, जो जिन्होंने उनके हार्ट को जो है बहुत ज़ख्मी किया हुआ है, तो इस पर्सन को भी जजमेंट का इंतज़ार है उस पर्सन से जिन्होंने इनके हार्ट को ज़ख्मी किया है, क्या हो क्या रहा है, और हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन की हम बात कर रहे हैं, इस पर्सन ने कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आपको भी हर्ट किया है, और अब इसको किसी और ने हर्ट किया है, क्या हो रहा है, ये जजमेंट है यहाँ पे, इस पर्सन को भी जजमेंट चाहिए, वाह कर्मा मिला है भाई, ये तुम्हें कर्मा मिला है, अब तुम काहे की जजमेंट की आशा रखते हो, तुमने किसी के साथ जैसा किया वैसे तुम्हारे साथ कोई कर रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी, टिट फॉर टैट होता है, ठीक है, तुम जैसा करोगे वैसा ही भरोगे ना, तो तुम्हें काहे का जजमेंट चाहिए, जजमेंट तो हमारे व्यूअर्स को चाहिए, हमारे सब्सक्राइबर्स को चाहिए, जो बहुत स्पिरिचुअल है,
क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या ही चल रहा है। और बॉटम ऑफ द डेक हम अगर देखें, ये है स्ट्रेंथ का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, जो कि हमें ये बता रहा है, अरे यार, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है, हम नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, लेकिन हमने पहले भी देखा था नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हमें फिर दिखना था तो फिर से दिख गया है, हमने रख दिया उसको वैसे ही जैसे वो था। ठीक है, हम दिखा देते, हमने रख दिया, देखिए हमने रख दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब है स्ट्रेंथ, कंट्रोल करने की किसी की बहुत इच्छा है, रिलेशनशिप को, लाइफ को, कोई चाहता है कि लाइफ उसके हिसाब से चले तो कितना अच्छा हो, ये अच्छी बात है, लेकिन लाइफ उन्हीं के हिसाब से चलती है जो स्पिरिचुअल होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं। लेकिन यहाँ पे नार्सिसिस्ट वाली फीलिंग है बहुत ज़्यादा, डिसेप्टिव फीलिंग होती है, जिसकी मन में बहुत सीक्रेट्स होते हैं। ठीक है, ये 11-11 देखा हमने। ठीक है, और यहाँ पे फूल का भी कार्ड है, थोड़ी सी मंशा तो है इस पर्सन की बात करने की, क्योंकि इनको ना पता है कि आपसे बात करना एक शेर के मुंह में हाथ डालना होगा, क्योंकि अभी आप बहुत पावर में हैं, आपसे बात करना, क्योंकि रिस्क लेना चाहते हैं ना ये। ठीक है, और आप अभी ऐसी एनर्जी में है, ये आप ही की एनर्जी है, आप अभी किसी से बात करने के मूड में नहीं है, और ये जो पर्सन है ये अभी चाहते हैं, ओवरऑल एनर्जी इनकी ऐसी है कि ये पर्सन चाहते हैं कि ये आपसे बात करें, तो शेर के मुंह में हाथ डालना चाहते हैं ये, और आप तो ऐसी एनर्जीज में हैं, तो ख़तरनाक एनर्जीज में ही हैं। इस पर्सन के मन में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, मतलब पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ये पर्सन अभी सोच रहे हैं कि आपसे बात करना चाहते हैं, इनका मन है, क्योंकि इनको जजमेंट मतलब इनका कर्मा जो है वो 12-12 हमने देखा, इनको तकलीफ़ हुई है ना, किसी से धोखा मिला है, तो वो ना सही, आप ही सही, घूम फिर के आपके पास कोई आना चाहता है दूसरों से लात खाने के बाद, आपकी मर्ज़ी, आप एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन ये जो पर्सन है ये खून चूसने वाला इंसान है, एनर्जी वैम्पायर है, इसके इंटेंशंस कुछ खास नहीं है, ऐसी एनर्जी में है ना, ब्लैक, काली परछाई टाइप्स। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 5 of cups है, मिस कर रहे हैं, लॉस और ग्रीफ की फीलिंग है, लेकिन क्या पता ये उस पर्सन के लिए हो जिसने जिसने इसको धोखा दिया है, तभी ये ग्रीफ है, इस तकलीफ़ में है। आपके साथ क्या किया है उसकी तकलीफ़ नहीं है, ये इस बात की तकलीफ़ है कि इनको धोखा मिला, मतलब हर्ट हुआ है, कन्फ्यूज़ है, शोक मनाना किसके लिए है, आपके लिए या उस पर्सन के लिए जिन्होंने ये दिया है। किंग ऑफ कप्स भी है, पेज ऑफ कप्स भी है यहाँ पे। ठीक है, ये पर्सन आपको बहुत, या तो बहुत इमेच्योर देखता है, बचकाना, या तो आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर देखता है, मतलब देखता है ये पर्सन, इसकी नज़रिए में ऐसा है कि वो कन्फ्यूज्ड है कि वाकई में ये पर्सन में उतनी मैच्योरिटी है या बहुत बहुत बचकाने हैं ये पर्सन, मतलब आपके बारे में ऐसी सोच है इनकी, कन्फ्यूज्ड है कि आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी है क्या, आप मैच्योर हैं या फिर आप बहुत इमैच्योर हैं। हमें तो ये कार्ड बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, सब कुछ में, क्योंकि ये कार्ड जब आता है हमें खुशी होती है, क्योंकि 2023 में जजमेंट आ रहा है। किसी ने कल हमको बोला, कमेंट करके, फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग की थी तो किसी ने बोला कि जजमेंट की रीडिंग कहाँ गई, अरे जजमेंट तो आ रहा है ना, वो तो हम फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग तो करेंगे ही, तो उसमें आप जजमेंट क्या ढूंढ रहे हो, एनर्जीज चेक है, कितने सारे लोग देखते हैं, किन किन लोगों से रेजोनेट होगी, ये जो है कोई कंफर्म थोड़ी है। अब ये जो है टाइमलेस रीडिंग है, जब देखेंगे तब मैच होता है, लेकिन किसी दूसरे रीडिंग पे जजमेंट देना कि ये तो फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग आ गई, जजमेंट कहाँ गया, अरे जजमेंट होने के बाद ही सब ठीक होगा ना, एनर्जीज के अकॉर्डिंग हमने फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग करी ना। तो जो भी है,
ये देखिए जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे, और स्ट्रेंथ, ये जो भी पर्सन है इसने काफ़ी हद तक जो है अपना सब्र सब्र रखने की पूरी कोशिश कर रखा है इस पर्सन ने। और यहाँ पे फूल का भी कार्ड है, वो हो सकता है आपसे बात करें, क्योंकि रिस्क लेने में क्या ही हर्ज है। लेकिन कहीं ना कहीं हमको ऐसा लग रहा है कि इनको वो आउटकम मिलेगा नहीं, वो आउटकम इनको मिलेगा नहीं जो ये चाहते हैं। वो इसलिए क्योंकि अभी आप बहुत अच्छी सी एनर्जी में हैं, नॉर्मल सी एनर्जी में, मतलब आपको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी बात का, आए या ना आए, जाए भाड़ में जाए, जो मर्ज़ी करें, लेकिन आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जो है अपने पास्ट लाइफ, पास्ट जो तकलीफ़ें हैं, पास्ट ट्रॉमाज हैं, उससे हील हो चुके हैं काफ़ी हद तक। लेकिन ये पर्सन को अब जाके जो है कहीं से जो है थोड़ा मिला है कुछ, मतलब कर्मा मिला है या लात मिला है या जो भी मिला है, मिला है मून, इसलिए ये आपसे बताएंगे नहीं। देखिए बिहाइंड द सीन कुछ तो चल रहा है, और हमको ऐसा लग रहा है कि जजमेंट का टाइम है ना, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, अचानक से जजमेंट आपके फेवर में हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि जो है आ रहा है। कर्मा देवता आ रहे हैं, कर्मा देवता पधार चुके हैं, सावधान हो जाइए, ठीक है, उनके स्वागत की अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। कर्मा देवता आ रहे हैं और बिल्कुल आपके एकदम सामने क्लियर कट वो बताएंगे कि उस पर्सन के साथ क्या हश्र हो रहा है या होना चाहिए, वो आपको खुद ही आपको समझ में आएगा। कर्मा मिलेगा उनको जब, ठीक है, जो आप समझ गए हैं। तो सन का कार्ड हमें ये बता रहा है, मून भी आया है, सन भी आया है, ठीक है, वर्ल्ड के साथ सन आया है। दिखा देते हैं हम वर्ल्ड का कार्ड है और यहाँ पे सन का कार्ड है, ठीक है। तो ये दोनों कार्ड हमें ये बता रहे हैं कि इस समय जो है आपकी थोड़ी सी एनर्जीज ऐसी हो रखी हैं, आपकी एनर्जीज जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आप लोग ये सोच रहे हैं कि ठीक है, कुछ लोग वेकेशन का प्लान कर रहे हैं, कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं, और आप लोगों की एनर्जीज काफ़ी हद तक बैलेंस्ड है, ठीक है, वर्ल्ड का कार्ड आया है, काफ़ी हद तक बैलेंस्ड है। मतलब आप लोगों को हमने बताया ना कि ये पर्सन अगर आपसे बात करें तो भी आपको ज़्यादा आप पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर आपसे बात नहीं भी करते हैं तो आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब आप यूज्ड टू हो चुके हैं इस चीज़ से कि अरे ये तो रोज़ का रोना है, रोज़ का चलता रहता है, ऑन एंड ऑफ है, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी की झटकेदार फीलिंग्स ही निकल कर आई है, तो टॉपिक झटकेदार फीलिंग्स ही रखना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये तो किसी की वो ही निकल कर आई है, एनर्जीज निकल कर आई है। हालांकि जजमेंट का वेट इस पर्सन को भी है, क्या ही बोले, आजकल बुरे लोग भी जजमेंट का वेट करते हैं, सही है, जो भी है, ठीक है। तो दो कार्ड हम और लेंगे, स्ट्रेंथ है यहाँ पे, ठीक है, हमें इंट्यूटिवली हमें लगता है कि दो कार्ड हमें और लेने चाहिए, थोड़ा आउटकम देखना है कि माजरा है क्या, पता तो चले यहाँ पर। इतने ज़्यादा काहे के ड्रीम्स, काहे के भ्रम में जीना, और इतने सारे ख्याली पुलाव ये पर्सन बना रहा है, इंटेंशंस कुछ खास हमें दिखाई नहीं दिए। क्वीन ऑफ कप्स आया है यहाँ पे, दो क्वीन है यहाँ पे, जैसा कि हमने बोला था, एक क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है और एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, ठीक है। अरे क्वीन ऑफ वांड्स, यही देखना था शायद हमें। अब बॉटम देख लीजिए, फोर ऑफ पेंटिकल्स, यानी किसी का पास्ट ना पीछा नहीं छोड़ रहा है यहाँ पे, और ये इसी पर्सन की पास्ट है, ठीक है, जिसकी हम रीडिंग कर रहे हैं, जिसकी रीडिंग यहाँ पे निकल के आई है, ये इनका पास्ट है। जजमेंट भाई, एक से ज़्यादा जो है, ये देखो भाई, लोगों को एक नहीं मिलती है, ये तीन तीन रानियों को घुमा रहे हैं, बड़ा ही धोखेबाज इंसान है भाई, हैं? तो क्या लगता है,
चाहता तो ये क्वीन ऑफ कप्स को है ये पर्सन, ठीक है, आप ही हैं ऑब्वियसली, स्पिरिचुअल हैं, टैरो रीडिंग देख रहे हैं, जाहिर सी बात है ये आप हैं। लेकिन एक यहाँ पे ऐसा है जो ये देगा इसको, ठीक है, आप अभी इस एनर्जी में हैं क्योंकि आप अभी बहुत गुस्से में हैं, मतलब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, इनको पता है कि आप ये हैं, ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स है भाई। यहाँ पे दो से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, ठीक है, इस पर्सन की लाइफ में एक से ज़्यादा लोग हैं, ठरकी इंसान है, ठीक है, बेसिकली ठरकी इंसान है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पे, यानी एक के हाथ में तलवार है, एक के हाथ में डंडा है, और एक के हाथ में भाई प्यार भरा कप है। तो गरम मसाला चल रहा है यहाँ पे, तीन तीन को घुमा रहा है, क्या पता चार चार हो, क्या ही पता है। खैर, हमें यही पता लगाना था। लेकिन ये पर्सन अपने पास्ट से निकले नहीं है, इनका पास्ट में भी रिलेशनशिप रहा है, ठीक है, और इस पर्सन के जो है आपसे पहले भी कोई रिलेशनशिप रहे हैं, या शायद अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो अभी प्रेजेंट में भी किसी और के साथ ये जो है इन्वॉल्व है किसी रिलेशनशिप में, व्हाटएवर भाई। ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए, ठीक है, पता नहीं किसकी एनर्जी आई है, ज़्यादातर लोगों से रेजोनेट नहीं करेगी क्योंकि हमें नहीं लगता कि आप ऐसे किसी पर्सन से डील कर रहे हैं जिसके लाइफ में दो दो तीन तीन लोग हों भाई, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पे है जजमेंट है, किसी ने किसके साथ गलत किया है ना, उसका जजमेंट यहाँ पे आ रहा है। तो आप लोग तो बिल्कुल इस बात की तो बिल्कुल बोला ना, सब कुछ रेजोनेट नहीं करेगा, तो पॉसिबिलिटी है कि इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे लोग हों, लेकिन एक भी हो सकता है, ठीक है। तो जजमेंट, हालांकि जो हम बताना चाहते हैं, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जजमेंट सबकी लाइफ में आ रहा है, मतलब आप लोगों की लाइफ में तो 110% आ रहा है, ठीक है। तो जजमेंट आ रहा है, कर्मा देवता तो आ रहे हैं, बड़ा मज़ा आएगा हाय, देख लीजिएगा, हो सकता है पीछे ही खड़े हों आपके कर्मा देवता हैं, इसलिए हम कहते हैं कि डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, कभी भी कहीं पे भी आ सकते हैं वो, ठीक है। तो अच्छा करेंगे तो अच्छा ही मिलेगा फल, बल्कि बहुत अच्छा मिलेगा, हम जैसा कि बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप रीडिंग आपको कुछ समझ आया हो, हमें वैसे ठीक से समझ नहीं आया कि चल क्या रहा है यहाँ पे। तो अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। और हाँ, पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पे, ठीक है। तो चलते हैं, तो तब तक के लिए बस इतना ही, बाय।